छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, खेल सामग्री समेत अन्य समस्याओं को लेकर अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले इस वर्ग के छात्र छात्राओं ने कवर्धा कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन्होंने अपनी मांगों से अवगत कराया और जल्द ही मांगे पूरी कराने का आश्वासन मिलने पर ये छात्र वापस लौटे। इस दौरान छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। कवर्धा शहर की सड़कों पर नारेबाजी करते रैली निकालकर अनुजन जाति वर्ग के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। दोपहर आदिवासी मंगल भवन में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी छात्र छात्रा एकत्रित हुए, जहां से वे रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। आंदोलनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और परिसर के अंदर जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बाहर ही रोके रहा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर काफी देर बाद आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए जल्द मांग पूरी किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। आदिवासी वर्ग के छात्रों के अनुसार उन्हें अभी तक शासन की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही पोस्ट मैट्रिक अनुजनजाति बालक छात्रावास में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर नहीं है और खेल सामग्री का अभाव है। साथ ही शिष्यवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाने की मांग की गई है। अभी तक बच्चे बहुत परेशान है छात्रवृत्ति को लेकर, और कबीरधाम जिले में भी अभी तक एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है, और छात्रावास समस्या जो है अभी तक कुछ समस्या कई बार होते देते आवेदन, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है। अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिला है तो एसटी छात्रावास छात्रों को क्यों नहीं मिला है? यही हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम ही लोगों की, अगर छत्तीसगढ़ शासन के पास पैसा नहीं है तो सभी छात्रों को नहीं देते ना, एसटी छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग को भी मिलना चाहिए, हम लोग को भी परेशानी होता है पढ़ने लिखने सभी चीज़ में। तो सभी आवेदनों को कल तक हम संबंधित विभागों को भेज देंगे, और जो भी इनके आवेदन में जो दिए हैं बच्चे लोग, उनके आवेदन में जितना जल्दी हो सकता है और जो भी शासन से इनको लाभ मिलना चाहिए, और जो इनके आवेदन में जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा कार्रवाई।